औलाद की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ता है। ऐसे कड़वे घूंट जो जिंदगी को कड़वा कर दे उनसे परहेज करना चाहिए। अच्छा ये लो मेरा पर्स और इसमें से जितने चाहिए ले। अरे भाई पहले पर्स देख लो, ऐसा ना हो खाली हो। बच्चों ये तारा भाभी का पर्स है, आपकी जेब नहीं, ये देखे। ये लो रजी, गरम गरम कॉफी, कॉफी पियोगी फ्रेश हो जाओगी। शाबाश। पता नहीं किस जंजालपुरे में फंसा दिया मेरी बेटी को, सुबह से 3 बार कॉल कर चुकी हूँ, बात ही नहीं हुई मेरी उससे। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है रजी? उसके चचा ससुर का मैसेज आया था कि बहू का पहला नाश्ता उसकी चचियां बनाएंगी, आप जहमत ना करें। अरे वाह जबरदस्त, चलो अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हारी तो तबीयत ही खराब है। अरे मैं कौन सा नाश्ते का थाल लिए खड़ी हूँ, मुझे तो वैसे ये रस्में बुरी लगती हैं। रजी रजी एक जली कटी बातें करके अपना ब्लड प्रेशर खराब मत करो, इतनी मुश्किल से तो कंट्रोल हुआ, प्लीज रिलैक्स। तानी मेरी बेटी पर क्या बीत रही होगी वहां। सब ठीक होगा, डोंट वरी, पियो कॉफी पियो, अभी एक दफा फिर ब्लड प्रेशर चेक करें। अरे भाई अभी रहने दे, कर लेते हैं ना। सॉरी बेटा, हमारे घर में ना रोजाना ऐसे ही मीना बाजार लगा रहता है। लो इसी मीना बाजार की रौनक देखने के चक्कर में तो शादी की इसने मुझसे। अच्छा ये किसको बेवकूफ बना रहे हो बेटा? अरे प्रॉमिस चाची, मेरा काम तो छोड़े, मेरी शादी हो गई है यार। सापू चाची समझा ले अपने खामखा के स्टार को, बिना वजह बाबूजान को फोन करे ही मेरे लाहौर जाने पे। अरे इस वक्त उठाओ तुम मेरे नाश्ते में हेल्प कराओ, चलो आ जाओ उठाओ उसके, और बाद में जाना लाहौर। चलो उठाओ उठाओ जल्दी करो, ब्रेड उठाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से देर हो रही है। हाँ भाई तो कैसा लगा आपको जंजालपुरा? बहुत अच्छा, यही सब कुछ तो चाहिए था मुझे। अच्छा अब मुझे भी कुछ चाहिए। दिमाग खराब हो गया? सॉरी भाजन, ये लाहौर का टिकट तुमने कटा के दिया? नहीं नहीं मैं, हाँ मैं, माला ने कहा था कि आपने परमिशन दे दी है। परमिशन का मतलब ये नहीं है कि अकेली रूम उठाकर लाहौर चली जाए। तो पूरे घर वालों को लेके जाऊं? भाजन ये जो एंड टाइम पे ट्विस्ट मारते ना आप, जालिम विलन वाला किसी दिन जान ले लेगा ये मेरी। मैं तुम्हें हरगिज लाहौर अकेले नहीं जाने दूंगा, गुल्लो जिंदा होती ना टांगे तोड़ देती तुम्हारी। भाई देखा आपने, बाबूजान हमेशा अम्मा के नाम का ना पंच मारते, इतनी इमरजेंसी में किसको लेके जाऊं मैं, 1.5 घंटे की तो सिर्फ फ्लाइट है। अरे मच्छू को ले जाओ, उनका फंक्शन है, मच्छू को ले जाने की क्या जरूरत है जब मैं अकेले जा सकती हूँ। तो फिर अब क्या होगा यार, बाबूजान तो अम्मा वाले ट्रैक पर है। बाबूजान वो, अरे आओ आओ, आपसे एक बात करनी थी। सिफारिश बनाकर भेजा होगा यकीन। आपको कैसे पता? अपनी औलाद को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो फिर तो आपको फौरन माला को भेज देना चाहिए लाहौर। मतलब? मतलब आपकी बेटी है और आप ज्यादा जानते हैं कि आपके दिए हुए कॉन्फिडेंस की बदौलत वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, जब उसने खेल के मैदान में अकेले ही जीतना है तो फिर यहाँ से जितनी भी फौजें जाए क्या फायदा। अच्छा है ना वो खुद पर भरोसा करना सीखेगी। भरोसा तो मैंने भी उस लम्हे तुम पर कर लिया था जब तुमने मुझे बाबूजान कहा था, क्योंकि कोई बेटी अपने बाप को गलत मशवरा तो नहीं दे सकती। लव यू बाबूजान, लव यू, इंशाल्लाह जीत के आऊंगी। और देखिए यार आज जीत इतनी अहम नहीं होती बेटा जितना जज्बे और स्पिरिट से खेलना होता। नाश्ते के बाद मती को कहना हो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाएगा। बहुत शोर है और तुम्हें उसकी आदत नहीं है, लेकिन सब बहुत प्यार करने वाले। मैं जानती हूँ आप बिल्कुल टेंशन मत लें। गुल्लो तुम्हारी मरहूमा सास
इस घर की बड़ी बहू थी, सबको बहुत जोड़ कर रखती, मुझे तुमसे भी बहुत उम्मीद है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। आज ही नाश्ता करते हैं। कहाँ कॉल मिला रही हूँ? मामा को अभी तक नाश्ता लेकर नहीं आई। उन्हें सलीम चाचा ने आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सलीम चाचा चाहते थे कि हमारी बहू पहले दिन से हमारा नमक खाए ताकि हमारी वफादार रहे। तो ये शाहीन आंटी क्यों आई है? अरे उनकी तो फ्लाइट है ना आज दोपहर की, तो यही से एयरपोर्ट जाएंगे। मामा को बताना चाहिए था ना मुझे। आप ही कुछ समझाए अब्बा को, अपनी शादी के अगले दिन कॉलेज कौन जाता है प्रैक्टिकल के लिए? बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो चुकी, अपनी मस्तियाँ भूल जाओ तुम। अब सुनो ना, आज वलीमा होना चाहिए था। अब्बा के उसूलों की किताब में सब कुछ कल हो चुका है, रियल लाइफ में आ जाओ वापस, जाके नेकर बुशर्ट पहनो, अपनी बॉटल टांगो, टिफिन लो और ये जाओ कॉलेज। भाई तुम भी ना। क्या हमने कहा था इतनी जल्दी शादी करने के बारे में? हमारी उम्र के होते सब कर लेते। चलो ना नाश्ता करते हैं, कम ऑन आ जाओ। सुनो तुम। अरे वाह सब आ गए। ये लो भाई, छोटी बहू के लिए मीठा पराठा लाई हूँ। और ये है आलू के पराठे बड़ी बहू के लिए। आज क्या सिर्फ बहू को ही नाश्ता मिलेगा? नहीं नहीं, हमारी समधन को भी मिलेगा। ऐसे बाबू भैया, समधन और बंधन में तो ज्यादा फर्क नहीं लगता है यार। तुम सुकून से नाश्ता नहीं कर सकते? मैं ये आलू भरे पराठे खा लेता हूँ भाई। अरे बाबू मेरी लस्सी का है भाई। अरे कोई जरूरत नहीं, फिर सारा दिन घर में बैठ के ना मुंह खोल खोल कर जमाइया लेते रहेंगे। चीनी मिलेगी? अरे क्यों नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। हाय गाइस, दिस इज हाशिर, हम हैं चांद नगर में। ये आप सबकी फेवरेट रूमी मलिक और हमारा पहला नाश्ता है एक साथ। हाय गाइस, मैं हूँ हाशिर मलिक की माँ। और ये जरा देखिए, हाशिर मलिक की शादी के बाद की पहली चित्रोल। मामा ये डॉलर जैम उठा के खा गया मेरी प्लेट से निकाल के। डॉलर तुम्हें सुकून नहीं है क्या? अरे याद आया बाबू, आज मुगल मंदिर वालों के बेटे की बारात थी। तो अभी से जाकर बैठ जाएं क्या? लो लगता है ये सब अपना नाश्ता करके खुद घोड़ी चढ़ गए। एक तो हर जगह पे मेरी नाक कटवाते हैं लोग। यार मच्छू से तो बंद कराएं प्लीज। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? अभी पहला दिन है ना, आपको अच्छा लगेगा। लोग मुर्गे पालते हैं, हमने बैंड पाला हुआ है। शुक्र है घर में किसी का तो मेरा बैंड पसंद आया, बजाओ खुल के। ये बाजा बजता ही रहता है। आइए जी, आइए। अरे माला कहाँ रह गई? उसकी फ्लाइट है, मैं लेकर आता हूँ यार। सेटो गुलजार साहब, आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मैं रूमी को। फिकर मत करें, हम भी कोई अली बाबा 40 चोर नहीं है। अरे तौबा, मेरा ये कहने का मतलब थोड़ी था। अरे आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। चची, हम बहू को अच्छी तरह बहू बनाकर क्यों नहीं रख सकते? शायद इसलिए कि बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। अगर हम बहुओं को बेटियों जितना प्यारा समझे ना, तो बहुओं को बेटियां बनने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना किरदार खुद ही निभा लेंगी। और ये भी तो हो सकता है कि बहुएं ज्यादा ख्याल रखें बेटियों से। कितनी सियानी बात की है ना आपकी बहू ने। मैंने रूमी को खुद तलकीन की है कि सबसे मिलकर रहना, इसमें बड़ा फायदा। मैं भी अपनी बहुओं को कुछ कहना चाहूंगा। जी लॉर्ड, ग्रैंड फैमिली सिस्टम में कुछ समझौते जरूर करने पड़ जाते हैं, लेकिन जिंदगी की खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। सही वक्त पर सबर और तहम्मुल के भरे हुए दो घूंघट बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी को खूबसूरत और आसान बनाते हैं। और इस घर के तमाम लोगों को जोड़ने में
जहाँ बड़ों को इंसाफ से काम लेना चाहिए वहाँ छोटों को भी थोड़ा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। और यही है चांद नगर के मकीनों का मिलजुल कर मोहब्बत से रहने का राज। रूबी सुन लिया अंकल गुलजार ने क्या कहा है? इस बात को समझने की कोशिश करना किसी दिन मोबाइल से नजरें हटाकर। मेरा ख्याल है कि मुझे अब इजाजत दे, मेरी फ्लाइट का टाइम हुआ। बहुत शुक्रिया। ओके गुलजार साहब, क्या कर रहे हो? जान छोड़ दो इसकी, तुम्हारी जान इधर है। मेरी जान आपके नाज भी उठा लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल रात से मौका तलाश करो तुमसे बात करने का, मौका ही नहीं मिलता यार। पिछले 2 सालों से बातें ही बातें तो कर रहे हैं हम दोनों। तो शादी के बाद बातें खत्म हो जाती हैं क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? 3 घंटे से मौका तलाश कर रहा हूँ कि कब तुम रूम में आओ तुमसे बात करूँ, तुम उनके मोबाइल लेके बैठ गई हो यार। मामा की 3 बार कॉल आ चुकी है, जब फोन दो ना यार। 3 घंटे से तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरी परवाह ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नीचे घूर क्यों रहते? भाई मेरी मर्जी, मैं घूरूं या कुछ भी करूं मेरी बीवी है। तारा ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ना स्पेशली ये जोड़ा बनवाया है, आज अम्मी के घर यही पहनकर जाना। अम्मी के घर किस खुशी में जाएगी, कल रात को ही तो आई है। अरे तो रस्म होती है ना, नई दुल्हन शादी के दूसरे दिन अपने महके जाती है। बहुत प्यारा ड्रेस है, मैं यही पहनूंगी। ठीक है, और तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, प्यारा कलर है। ये मेरी चच्ची को मस्के लगाने की जरूरत नहीं, ये दोनों यहीं आके रहने लगेंगी भाई। मुझे कोई अदा सही नहीं है। अरे मुझे तो है ना, हम दोनों तारा आइए। तारा आज तुम्हारा मेकअप मैं करूं? मैं भी कुछ कर लूं? हाँ जाओ टेलर से कपड़े ले आओ जाके मेरे, जाओ। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारा ब्यूटीफुल सा मेकअप करूंगी आज, मेहना स्टाइल का। जरूर जरूर भाई, जरा बात सुनिएगा। अरे आ रहा हूं भाई। इन बहन भाइयों की तो खुसर फुसर खत्म ही नहीं होती। तुम बैठो मैं तुम्हें चीजें दिखाऊं। ये देखो इससे करते हैं हम मेकअप, ये देखो कैसा है इतना सारा मेकअप। अभी अचानक अब्बा कहाँ से याद आ गए तुम्हें? तो यही तो कह रही हूँ कि ख्याल रखिएगा ना उनका। तुम उनका सगा बेटा हूँ, मैं नहीं रखूंगा तो और कौन ख्याल रखेगा। अच्छा तो बाबूजान रात में कौन सी मेडिसिन लेते? वो रात में नींद की गोली लेते होंगे। जी नहीं, और सोने से पहले कैसा दूध पसंद है उनको? कौन सा दूध? नीम गरम इलायची वाला, और सुबह उठ के ग्रीन टी। अच्छा ठीक है, मुझे घूर क्यों रही हो? अब ये सारे काम तो बेटियां ही करती है ना यार। बेटे कर लेंगे तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ जाएगा। अच्छा तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी भाभी भी आ गई है ना, उनकी बहू है, बता दूंगा संभाल लेगी उन्हें। भाई हमारे पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, अगर बहू इनकी केयर करती ना तो उसका अजर उनको मिलेगा, लेकिन वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, जाओ अब। अच्छा एक और बात। हाँ बहुत याद आओगे। स्पेशली उस वक्त जब मेरे वॉलेट से पैसे गायब नहीं होंगे, जब मेरी कोई नई शर्त बर्बाद नहीं करेगा, और जब मुझे रात में कोई कॉफी बना के नहीं देगा। I hate you, जा रही हूँ मैं। But I love you. और जीत के आना, चलो। अरे सुटाट क्यों उठ रही हो? अरे भाई मुझे अपने कमरे में जाना है। अरे पूरा घर तुम्हारा है, ये कमरा भी तुम्हारा है, वो कमरा भी तुम्हारा है। सर ये सूप कहाँ रखूँ? इनके सर पर रख दो, जाओ यहाँ से। तुम जाओ। देखो रजी, ये टार्जन बनने की जरूरत नहीं है, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है, प्लीज रिलैक्स और ये लो सूप पियो। तारा को फोन करो। अभी तुम कर तो रही थी उसको कॉल, इतने शोर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है ये लो, तुम ये सूप पियो, मैं कॉल करता हूँ। ओके ये लो, चलो उठो ये लो। ऑडियो ठीक नहीं आई बस। नहीं दोबारा क्या हो रहा है? अरे नए जोड़े की नजर उतार रहे हैं ना। हमारी तो नजर नहीं उतारी किसी ने। अरे बेटा नजर लगने की कोई वजह भी तो हो ना तुम्हें। यू आर सो मीन।
अरे सुपरस्टार, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? एयरपोर्ट से। आपने देखी नहीं, हमने वीडियो लगाई है इंस्टा पे एयरपोर्ट की। इतना फजूल टाइम नहीं है हमारे पास, हमने फॉलो ही नहीं किया तुम्हें। घर वाले नहीं फॉलो करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे हम? मुझे बता देना, मैं फॉलो कर लूंगी तुम लोगों को। हाशिर सलीम अंडरस्कोर। जरा संभल के जानू। असली शादी तो इनकी हुई है, हमें तो सजा दी है घर वालों ने। डोंट वरी, हम अपनी एंजॉयमेंट के लिए नया प्लान बनाएंगे। तुमसे नहीं होगा, बैग दो मेरा। अभी बनेगी वीडियो, दिखाओ। अच्छा सुनो, फिर ज्वेलरी पहनने दो, सारी उतरवा दी थी तुमने गाड़ी में। हालात देखो बाहर रूमी। अच्छा बच्चो ऐसी दुनिया का पहला दूल्हा होगा जो कल रात से अपनी मुंह दिखाई अपने हाथ में लिए घूम रहा है, क्योंकि अपनी बीवी का मुंह देखने का मौका नहीं मिला मुझे। अरे हाँ, कल रात तुम देने ही वाले थे, वो मेहनाज सच्ची आ गई थी। डॉलर और पिंकी आ गए थे पहले। ओ हाँ। फिर चाची जा टपकी थी, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हनीमून पे जाएंगे सब। अरे सब क्यों जाएंगे, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, मेरे खानदान वालों से हुई है, सब। नहीं मतलब रूमी और हाशिर की शादी हमारे साथ हुई है ना, तो वो लोग भी जाएंगे। उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है अभी, तुम सिर्फ अपनी और मेरी बात करो। ओके ओके बॉस। वैसे तुम खुश तो हो ना? ऐसी वैसी खुश भाई, पहली बार तो कैद तन्हाई से निकल के इंसानों में आई हूँ। चलो भाई। अरे फोन किसका? जी अस्सलाम वालेकुम अदील साहब। आई एम सो सॉरी, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। नहीं नहीं, मैंने काफी वर्किंग कर ली उस प्रोजेक्ट पे आज। अच्छा चलिए मैं ट्राई करता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। क्या हुआ यार? एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, मैं लेट हो गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम कुछ टाइम डॉक्टर मामा के साथ गुजारो, मैं तुम्हें शाम में पिक करता हूँ। ओके नो वरीज। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ले जाओ अपने साथ। ये कहाँ से ले आए हो भाई? ये पिंकी ने दिया है अपनी प्यारी भाभी को। ओह सो स्वीट, मामा के सर पे जाके फोड़ूंगी। अपना ख्याल रख, जल्दी आना। मेरी बेटी, मेरी बेटी, माशाल्लाह परी लग रही है भाई, माशाल्लाह। दामाद जी नहीं आए? आपके दामाद जी को थोड़ा काम था, वो शाम तक आएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत खुश है मेरी बेटी। है पापा, पहली बार तो मैं इंसानों में गई हूँ, पता है वहाँ इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतना हल्ला गुल्ला, इतना हुजूम, और आप जरा यहाँ देखें, हमारे घर में देखें जरा। क्या देखें? तारा देखे, अपनी आवाज पलट कर आई ना वापस। पापा वहाँ ऐसे नहीं होता, वहाँ ना लोगों की आवाजें आती हैं जो जिंदगी का एहसास दिलाती हैं। ठीक कहा बेटा, शोर जिंदगी है और सकूत मौत है। खैर छोड़ो, ये बताओ ससुराल में पहला दिन कैसा गुजरा? पापा बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। पता है जब सुबह में उठी ना तो घर में एक हंगामा मचा हुआ था। क्यों? सलीम चाचा की कोई स्लीपर्स उठा के ले गया था। अच्छा भाई, तुम्हारे सलीम चाचा अपने स्लीपर्स तकिए के नीचे रख के नहीं सोते? पापा आप और आपके जोक्स। मामा अस्सलामुअलैकुम। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल, क्या हुआ आपको? हॉस्पिटल पे कॉल पे नहीं थी ये, रुखसत होके गई थी ससुराल, और तुम गिला कर रही हो। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। रजिया जरा बीपी अपरेटस लाओ। रहने दो, अब ब्लड प्रेशर ठीक है मेरा। पापा आप तो कल रात यहीं रुके थे ना मामा के साथ? सर पर सवार रहे हैं मेरे। और कराओ मुझसे इसकी जबरदस्ती की तिमारदारी। मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी मामा, डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की जरूरत होती है, वो कोई सुपरमैन नहीं होते हैं, उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी तकलीफ होती है। अरे भाई मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे तसल्ली कर लेने दीजिए। बीपी लो है आपका,
5 मिनट बैठ जाओ तुम बाप बेटी मेरे पास, खुद ही हाई हो जाए। हेलो, सलाम अलैकुम चची। नहीं नहीं चची, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, खैरियत से पहुंच गई हूँ। चलो ड्रामेबाजी हो गई शुरू। बताओ उन्हें कि माँ के घर आई, किसी सियाचिन के महाज पर नहीं गई मैं। जी जी चची, वो ज़रूरी प्रोजेक्ट था उनका, शाम में आएंगे वो मुझे लेने। ठीक है, आप भी ख्याल रखिए अपना। अभी आई हो, पीछे से कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। आजिया, चंद घंटे हुए इसकी शादी को, तुम भी थोड़ा रिलैक्स करो। हाँ माला, पहुंच गई लाहौर। अरे वाह, मौसम कैसा है वहां का? जबरदस्त। क्या स्पीड है? यही तो है मेरी सुपर पावर। मुझे हॉस्पिटल की बहुत टेंशन हो रही है। छोड़े मामा टेंशन को, थोड़े दिन रेस्ट करें आप। कैसे बेटा, तुम 7 दिन की छुट्टी पर हो, हॉस्पिटल तो डॉक्टर शब्बीर और डॉक्टर फारिया मैनेज कर रहे हैं। मामा सब हो, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम बाऊजान जी। मामा की तबीयत अब बहुत बेहतर है। सारे नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे वो। अच्छा ठीक है, वो आते हैं तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। खुदा हाफिज। एक तो उन लोगों को सुकून नहीं है, पिछले 3 घंटों में घर के एक एक फर्द की कॉल आ चुकी है। मामा प्यार करते हैं वो लोग मुझसे। रहने दो भाई, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अल्लाह ना करे मामा। रहने दो, मुझसे ज्यादा नहीं जानता कोई इन ससुराली जोंकों को। बंदे का सारा खून चूस कर भी ना खुश नहीं होते ये। चांद के घर वाले ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारा का? वो तो बड़ी बेगम साहिबा के रूम में मैं बुला कर ला। नहीं नहीं, मैं चला जाता हूँ। देख लो अपने बाप को, अभी तक मेडिसिन लेकर नहीं आया। उनकी कॉल आई थी, वो कह रहे थे एक जरूरी मीटिंग में बिजी हैं। सर दर्द से फटा जा रहा मेरा। मैं पापा को कहती हूँ किसी के हाथ भिजवा देते हैं। अरे भी रहने दो, मुझे एतबार नहीं है उसमें। तुम ऐसा करो कि आज रात रुक जाओ मेरे पास। सॉरी मम्मा, ये आज रात यहाँ नहीं रुक सकती। क्या कहा? यही कि ये अब यहां नहीं रुकेगी। मगर क्यों? भूल गई हैं आप सासू मां, रिश्ता देने के लिए नाको चने चबा दिए थे आपने मुझे। तो अब तुम बदला लोगे? नहीं, बात बदला लेने की नहीं है, बात सूल की है। तारा की शादी हो गई है, अब आपका इस पर कोई हक नहीं है। मतलब क्या तुम्हारा इस बात का? मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। तुम साफ साफ नहीं कह सकते हो? तुम साफ साफ समझती क्यों नहीं हो? किस चैनल पर चल पड़े हो तुम? उसी चैनल पर जिसकी ट्यूनिंग तुम्हारी मम्मा ने की है। भूल गई हो तुम शायद, रिश्ता देने के लिए कितनी शराइत लगाई थी इन्होंने मुझसे। तो बस इनकी टर्न खत्म हो गई। अब देखो, ये टर्न शर्न का ताल्लुक ना तुम्हारा होगा इनके साथ, कि मेरी सगी माँ है और दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरी मामा के पास रुकने से नहीं रोक सकती। जानू प्यार की ताकत भी नहीं? बेवकूफ प्रैंक कर रहा था। कैसा बेवकूफ बनाया इसे? इसकी शक्ल देखी थी आपने? ऐसा लग रहा था टेडी बकरी। मुझे इस तरह की मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे 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 जानू मेरी बात तो सुनो। अरे तो
बच्ची तो नाराज हो गई है। चले मैं जाके जरा मना के आता हूँ। जाओ। अरे 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 सुनो तो मेरी बात। अरे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया यार शादी के बाद। मेरा नहीं तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत चीप हो गया है। भला ये कोई प्रैंक होता है करने वाला? सरकार माफी। अच्छा वैसे ना देखो मुझे, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में वैसे ही खाक हो चुका हूँ, कैंसर में ही ना मर जाऊं यार। मरने वाली बातें मत क्या करूं मैं साहब। चलो जीने वाली बात कर लेते हैं जानू, घर चलो ना, सब वेट कर रहा है हमारा गोल्डन नाइट पर। गोल्डन नाइट? हाँ भाई मस्ती कहाँ हो तुम? अरे देखो मैं जानता हूँ कि एनुअल डिनर हर साल होता है और बहुत शानदार होता है, लेकिन इस साल हमारी बहुएं भी हैं तो कोई कमी बेशी नहीं होना चाहिए। बाबू भैया आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आपको तो पता है ना मत्ती के एक्सपीरियंस को मत्ती के सिवा कोई भी नहीं। हाँ इसी का मुझे डर। डैडी ये कहाँ चुपका हूँ? अरे ये कैसे सवाल है यार, मेरे सर पे लगा दो या फिर मेरे कंधों पे लगा दो या फिर मैं हेलीकॉप्टर बन जाता हूँ। अजीब है यार। डैडी आप फ्लाई करके दिखाएं। अबे ये हेलीकॉप्टर लग रहा हूँ क्या? गैर खानदानी हरकतें क्या हो रही है? बच्चों ने फरमाइश की थी, मैंने सोचा पूरी कर देता हूँ। छोटी सी बात यार, तुम बच्चों के साथ कब तक बच्चे बने रहोगे? जब तक आपका बच्चा नहीं आ जाता। पत्ती ये देखिए आपके लिए फूल। अरे ये फूल वहाँ से गिरा है, उसको लगाओ। जी जी अभी लगा रहा हूँ। थोड़ा रोमांस टाइट कर रहा है। नहीं नहीं ऐसे ये लव स्टोरी कब खत्म होगी? लगा कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो केटरिंग का क्या हुआ? खाना वाना बेहतरीन काम किया ना? जबरदस्त शाही टुकड़े बनाए हैं, तुम देखना चखना जरा। बैंगन भगा रहे हैं ये। बैंगन दावत में? बैंगन देखना। ये ड्रेस पहन लो डिनर के लिए। परफेक्ट, एंजेलिना जोली लगोगी इसमें। या ये पहन लो, तारा भाभी से ज्यादा क्यूट लगूंगी। ऑफ कोर्स लगोगी, क्यूटनेस ओवरलोड मैं कहता हूँ। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें तो तुम लगोगी सरगम कोशाल जैसी जो मिस वर्ल्ड नहीं जीती अभी। रूमी व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये वही शर्ट है जिसको पहनकर मुझे मिस वर्ल्ड लगना था। वो तो खैर तुम नहीं लग सकती। रूमी, मुझे तुमसे शादी करनी नहीं चाहिए थी। रूमी असल में हम दोनों को ही अभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, हम नहीं थे मेंटली प्रिपेयर्ड इन जिम्मेदारियों के लिए। लगता है लाइफ में कोई ट्रेजेडी नहीं रही है, ना तुम मुझ में अब इंटरेस्टेड हो, ना हमारा वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट रहा है। रूमी क्या हो गया है? सॉरी अच्छा रो नहीं प्लीज। बात मत करो, तुम मुझसे तो बदल गए हो। नहीं बदला नहीं बदला, प्रॉमिस। रो तो नहीं, अब मेकअप खराब हो जाएगा। मेरी ड्रेस तो पूछ रहे हो। नहीं 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 सिर्फ अरे बेटा मैं क्या करूंगी तुम लोगों के फैमिली डिनर में जाकर? अरे वही जो हम सब करेंगे, म्यूजिकल चेयर्स, अंताक्षरी और मजे का डिनर। ये सब भी होगा वहाँ? ऑफ कोर्स, तभी तो हम यंगस्टर से गोल्डन नाइट कहते हैं और जितने बड़े लोग हैं ना वो कहते हैं एनुअल डिनर है। शुगर बताओ मेरी कितनी आई है? मामा नॉर्मल है शुगर, बस आप ना कुछ खा लीजिए। और डिनर हमारे घर पे चल के कर लीजिएगा, बल्कि आज रात आप हमारे यहीं रुक जाइएगा। नहीं भाई नहीं, मैं रात वात नहीं रुकने वाली कहीं। अरे मम्मा रुकना तो पड़ेगा ना आपको, 2-3 बज जाएंगे रात के। और मैंने पापा को ही मैसेज कर दिया, वो डायरेक्टली वहीं आ जाएंगे। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? मामा आपके साथ उनका ताल्लुक खत्म हुआ होगा, मेरे साथ नहीं। मैं रजिया को भेज रही हूँ, वो फौरन आपके कपड़े निकाल के आपको रेडी होने में हेल्प करेगी।
रजिया, तुम्हें अपना वादा याद है ना? ऑफ कोर्स मामा। मेरी बात सुनो, शादी के शुरू के दिनों में मियां बीबी एक दूसरे की बात को बहुत वैल्यू करते हैं। तुम ऐसा करो, किसी दिन मौका देखकर तारा से अमेरिका जाने की बात कर डाल। नहीं मामा, बिल्कुल टेंशन ना ले। मैं ये क्या खुसर पुसर हो रही है आप दोनों के दरमियान? नहीं नहीं, खुसर पुसर तो कोई नहीं, बस मैं तो ये कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे। चक्कर आ नहीं रहे हैं आपको, हमें चक्कर देने की कोशिश कर रही हैं आप। चलिए जल्दी से रेडी हो, सबको चाची कॉल आई है, वो कह रही है कि फौरन पहुंचो। ओके गर्ल्स, बस जल्दी से रेडी हो जाइए, ज्यादा लेट ना कीजिएगा। दूसरा कपल रेडी हो के कई वीडियोस बना चुका होगा, जल्दी से आ जाएं आप लोग। चलिए ना मामा उठे। रजिया जल्दी निकालो मम्मा के कपड़े। मैं मम्मा से कहती हूँ कि मुझे कनाडा बुला ले। रूमी तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती, हमारी शादी हो चुकी है। गलती का एहसास जब हो जाए ना तो उसे सुधार लेना चाहिए। तुम्हें हमारी शादी में गलती लग रही है? हाँ, क्योंकि ना ही हम फाइनेंशियली और ना ही इमोशनली इतने स्टेबल है। हमारी तो स्टडीज तक कंप्लीट नहीं हुई अभी। रूमी, ये बातें शादी से पहले सोचने की थी, अब नहीं। उस वक्त तो यही लगा था शादी के बाद बहुत एंजॉयमेंट होगी, साथ मिलकर वीडियोस बनाएंगे, चिल करेंगे, फुल टाइम मस्ती होगी। तो हम और क्या कर रहे हैं? खाक कर रहे हैं, साथ साथ तो सीसीटीवी कैमरा है हमारे ऊपर। कहाँ है? एक तुम्हारे बाऊजान, अम्मी, अब्बू, मच्चू, नास चची, जान भैया, तारा भाभी, ये सारे सीसीटीवी कैमरा ये तो है। रूमी ये मत करो, रूमी वो मत करो। रूमी हमारे बड़े हैं ना, हमारे फायदे के लिए रोक टोक करते हैं। मुझे आदत नहीं है इस रोक टोक की, मैं मम्मा के साथ रहती थी बगैर रोक टोक के। मैं जा रही हूँ उनसे बात कर ले। तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो, कुछ तारा भाभी से सीखो कितना खुश रहती है सबके साथ। मुझे वैसी हिली हुई लगती है, इतने बड़े टब्बर के साथ कौन खुश रह सकता है। काम डाउन। हां नहीं होना काम डाउन। रूमी रूमी स्माइल करो। ठीक है, फिर मैं अपने सिग्नेचर टिकटॉक वाले मूव्स करता हूँ। बंदर लग रहे हो। अच्छा इधर इधर बैठो, इधर बैठो। चलो मुझे तुम बताओ कैसा लगूंगा मैं इसमें? एंजेलिना जोली लगोगे। अच्छा, और इसमें कैसा लगूंगा? मिस वर्ल्ड। अच्छा, अरे इसमें तो मेरी रूमी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। स्वीटू है, करे लॉक फिर। अरे बेटा खाम खा घसीट कर ले जा रहे हो मुझे भी अपने साथ। अरे मम्मा आपको तो हम अपने हनीमून पे भी ले जाएंगे। अरे हाँ, हनीमून से याद आया, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों हनीमून पर? मामा कहीं भी नहीं जा रहे, 7 दिन की तो छुट्टियाँ रह गई हैं बस। अरे तो क्या हुआ, जाओ भाई, ये दिन बार बार थोड़ी आते हैं। यही तो कहता हूँ मैं इससे, ये दिन बार बार नहीं आते, समझती नहीं है। चलो। अच्छा मेरी गाड़ी की चाबी लाओ। अरे नहीं नहीं, आज आप मेरे साथ चलेंगी मेरी गाड़ी में और आगे बैठ के। मैं क्यों बैठूं आगे, आगे तो तारा बैठी। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप बड़ी हैं, हमारे खानदान की रिवायत है जो बड़े होते हैं वो अगली सीट पे बैठ के जाते हैं। अरे बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है, इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। हाँ मम्मा, जिस तरह इज्जत दिल में होती है उसी तरह बड़े हमेशा छोटों से आगे रहते हैं। मुझे यकीन है तारा को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। क्या? नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? तुम किसे मैसेज कर रही हो? वो माला बहुत मिस कर रही है हमें। अरे उसे बोलो मिस करना छोड़े और अपने गेम पर फोकस करे जिसके लिए गई है वहां। चलिए आइए। चले भाई इससे पहले सब आ जाओ, जल्दी खींच रहे। अली भाई अच्छा खींच रहे, इसलिए टैग मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ चले आ जाओ। रेडी? राइट शिफ्ट, इधर आ जाए। ये सही लग रहा हूँ? अच्छा एक वो वाला जो मैंने प्रैक्टिस किया था। रेडी रेडी चले। ठीक है, अच्छा एक बैठ के, एक बैठ आज बैठो। तो मैं बैठूंगी, तुम उठोगे। चलो सही, हाथ दो, हाथ दो अपना, हाथ दो। आइए एक जरा ना गुस्से वाला एक्सप्रेशन थोड़ा। चांद ये मैं नहीं पहन सकती ना। क्यों, इसमें कांटे लगे हुए? नहीं नहीं, ये बहुत प्यारा है, लेकिन ये जोड़ा ना मेहनाज चची ने स्पेशली भिजवाया है, उनका दिल टूट जाएगा ना। यार तारा तुमने सुबह सफू चची की पसंद के कपड़े पहन लिए, अब ये नाज चची बीच में आ गई है, मैं कहाँ जाऊँ? जान थोड़े दिनों में उनकी चाह पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम तुम होंगे, बादल होगा और रक्त में सारा जंगल होगा। हाँ लेकिन ये टाइम तो वापस नहीं आएगा ना हमारा। देखो इस वक्त में अगर उनके दिलों में गिरा पड़ गई ना तो वो कभी नहीं खुलेगी।
इसलिए हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अरे तारा जरा मेरा ब्लड प्रेशर तो चेक कर दो, बड़े चक्कर से आ रहे हैं मुझे। आइए आइए आप यहाँ बैठे। मैंने आपको कितनी बार कहा थोड़ा रेस्ट कर लिया करें, लेकिन आप सुनती नहीं है मेरी बात। अरे चांद तकलीफ में मैं हूँ, दुखी तुम हो रहे हो क्यों बेटा? आप मेरी चची है ना, आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे भी दुख हो रहा है। सत्य जाऊं नहीं, असल में ना कोई समझता ही नहीं मेरी बीमारी को इस घर में। चची प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी होती है, बस इसमें इंसान को थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है और बस। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे आराम करूं? चची इंसान किसी भी सिस्टम में हो खुद के लिए उसे टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से हम खवातीन की प्रायोरिटी लिस्ट में अपने लिए टाइम निकालना सबसे लास्ट ही होती है। और यहाँ तो मुझे खड़ा कर रखा है वेटिंग लाइन में, अच्छा खासा 6 फीट का बंदा दिखाई नहीं दे रहा। चांद और मैं तारा।